हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे स्टाइल्स, कुछ ऐसा फैशन जो मुझे पसंद नहीं है। यस, मैं हमेशा स्टाइलिंग टिप्स के बारे में बात करती हूं, फैशन मिस्टेक्स के बारे में बात करती हूं, बट आज मैं बात करूंगी वो चीज़ें जो पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, फैशन में हैं, ट्रेंड में हैं, लोगों को बहुत पसंद आती हैं, लोग खूब जम के करते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ें कभी पसंद नहीं आईं। ये मेरी अपनी चॉइस है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद है तो आप बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैंने बता दिया कि मुझे पसंद नहीं है तो आप इनको फॉलो ना करें। आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं एंड या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है वो है डोरी वाले ब्लाउजेज। यस, मैंने आपसे शायद अपनी लास्ट वीडियो में एक शेयर भी किया था, जिन ब्लाउजेज में पीछे डोरी होती है ना, वो ब्लाउजेज मुझे थोड़े से कम पसंद आते हैं। एंड स्पेशली वो क्रिस क्रॉस वाली जो डोरियाँ होती हैं, बहुत सारा पैटर्न जिसमें होता है, खूब सारी डोरीज लगी रहती हैं हाथों में और पीछे, वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। एंड मैं एक्चुअली, मेरे को डोरी लगवानी पड़ती है अपने ब्लाउजेज में, क्योंकि मेरे जो ये शोल्डर्स हैं ना, यहाँ से मेरा ब्लाउज ऐसे सरकता रहता है नीचे, तो उस रीज़न की वजह से मेरे जो टेलर है वो खुद ही उसमें डोरी ऐड कर देता है। मैं उनको कितनी बार बोलती हूँ कि इसमें डोरी ऐड नहीं करनी है, बट वो बोलते हैं कि जब आप इतना डीप नेक सिलवाओगे तो डोरी तो ऐड करनी पड़ेगी ही, और वो डोरी ऐड कर देते हैं, बट मुझे पर्सनली वो अच्छी नहीं लगती। और अब मैंने अपने सारे ब्लाउजेज में से डोरी मैंने कट कर दी है, धीरे धीरे सब में से मैंने निकलवा दी है, और जितने भी मैं नए अब स्टिच करवा रही हूँ, सभी मेरे वैसे तो बहुत पुराने सिले हुए हैं, मेरी शादी के सिले हुए हैं, कितने सालों से मैंने कोई ब्लाउज ही नहीं स्टिच करवाया था, बट अभी मैंने कुछ ब्लाउजेज स्टिच करवाए हैं, वो भी मैं आपसे जल्द ही शेयर करूँगी। तो अब मैं उनमें डोरीज वगैरह नहीं लगवा रही हूँ, और उसके लिए मैंने आप लोगों से एक हैक भी शेयर किया था। मैं फैशन टेप यूज़ करती हूँ, अगर मुझे ये जैसे शोल्डर्स वगैरह ऐसे गिरते रहते हैं तो मैं ना अंदर टेप चिपका लेती हूँ, जो फैब्रिक टेप आती है, फैशन टेप आती है, डबल साइडेड होती है वो, तो उसको स्टिक कर लो और काफ़ी टाइम तक वो टिका रहता है आपका ब्लाउज़। और यस, बहुत ज़्यादा अगर स्वेट आएगा तो मे भी शायद वो निकल जाए, बट मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। मैंने अभी अप्रैल स्टार्टिंग में ही एक शादी अटेंड की थी, तो मुझे कोई इतना स्वेट वगैरह नहीं आया। मैंने डांस वगैरह भी किया था, बट फिर भी वो जो टेप थी वो निकली नहीं थी। लेट्स सी, एक्सट्रीम समर्स में जब बहुत ज़्यादा पसीना आता है तब वो टेप टिक पाती है कि नहीं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सो यस, डोरी वाले ब्लाउजेज मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ ब्लाउजेज हैं मेरे पास जिसमें थोड़ा सा डोरी का डिज़ाइन है, टासल्स की डिटेलिंग है, वो वाले ब्लाउज मुझे अच्छे लगते हैं, बट वो ऐसे क्रॉस क्रॉस वाली जो डोरी होती है ना, वो ममता कुलकर्णी वाला जो स्टाइल, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली ब्लाउजेज में। कुर्तीज़ वगैरह में भी किसी ड्रेस में मुझे अच्छा लग जाए, बट ब्लाउजेज में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है साड़ीज़ के साथ। सो नेक्स्ट स्टाइल, एक्चुअली आई लाइक इट, बट मैं उसको पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि वो मेरे ऊपर सूट नहीं करता, मेरे बॉडी टाइप को सूट नहीं करता। वो है ये वाली जो स्लीव्स होती हैं ब्लाउजेज में या फिर कुर्तीज़ में, टॉप्स में, बट ये जो स्लीव्स होती है ये किसी भी ड्रेस में हो, वो ड्रेस में नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत अजीब लगती है। मेरे हाथ जो है ना, वो ऑलरेडी बहुत लंबे हैं और पतले भी हैं, और ऐसी वाली जो स्लीव्स होती हैं वो आपके हाथों को और लंबा और पतला दिखाती है एक्चुअली। तो अगर आपके हाथ हैवियर साइड पे हैं, आप थोड़े से मतलब आपके हाथ उतने पतले नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपके हाथ पतले लगें, तो आप ये वाली स्लीव्स बिल्कुल पहनिए। बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं तो आप भी इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, मैं या तो फुल स्लीव्स पहनती हूँ, या तो स्लीवलेस, या फिर इतनी वाली जो स्लीव्स होती है, बट यहाँ वाली स्लीव्स मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ किसी ड्रेस, कुर्ती या फिर ब्लाउजेज में। कुछ ड्रेसेस मेरे पास हैं, कुर्तीज़ भी हैं, बट वो मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट नहीं है, इसी रीज़न की वजह से, इसी स्लीव्स की वजह से वो मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। नेक्स्ट जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, एक्चुअली आई हेट इट, सीरियसली आई हेट इट, वो है एनिमल प्रिंट्स। यस, एनिमल प्रिंट्स, टाइगर प्रिंट्स, लेपर्ड प्रिंट्स, स्नेक प्रिंट्स, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने कभी भी इसमें कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं खरीदी है। एक टॉप था मेरे पास बहुत पहले, एंड वो भी मैं बहुत ज़्यादा शौक से नहीं पहनती थी, तो मुझे ऐसे प्रिंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, अभी तो शायद ये ट्रेंड में भी नहीं है, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, बट बीच में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, एंड कई लोगों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं ना, उनको तो ऐसा लगता है कि दीज आर क्लासिक्स, बट एक्चुअली दे लुक रियली वियर्ड। मुझे तो बहुत वियर्ड लगते हैं, मुझे दूसरे लोगों पर भी उतने अच्छे नहीं लगते हैं ये, और मैं खुद भी नहीं पहनती। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिंट्स पहनते हैं, वो हील्स में ऐसे प्रिंट्स पहनेंगे, कपड़ों में पहनेंगे, बैग्स में पहनेंगे, एंड इवन मैंने देखा नेल आर्ट्स भी वो करते हैं एनिमल प्रिंट्स की। बहुत ज़्यादा टैकी लगता है मुझे, पता नहीं क्यों ये एनिमल प्रिंट्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एंड मुझे जब भी मैं ये प्रिंट्स देखती हूँ ना, मुझे वो पेन, पाइनएप्पल पेन वाले अंकल याद आ जाते हैं। देखे आपने वो अंकल, उनकी वीडियो देखी है? वीडियो छोड़ो, आप उनके व्यूज़ देखना यार, मतलब
कैसा कंटेंट लोग देख रहे हैं। आई हेट इट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भी इनको मत पहनो, आपको पसंद है आप बिल्कुल पहनो यार। बट या नेक्स्ट चीज़ जो मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी, वो है वेजेस। वेजेस जो हील्स होती हैं ना, जो इस टाइप की जो हील्स होती हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। अगर आपने देखा भी होगा तो मैंने बहुत कम, मतलब मैंने कभी नहीं पहनी ऐसी हील्स। एक दो मेरे पास थी बट मैंने उनको इतना शौक से नहीं पहना, किसी को मैंने दे दिया। मैं नहीं पहन पाती हूँ ऐसी हील्स, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। एंड प्लेटफॉर्म हील्स भी, जो आगे से भी बहुत ज़्यादा बल्की होती हैं, पीछे से बहुत ज़्यादा उनमें हील्स होती हैं, इस तरह की हील्स भी मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। वेजेस एंड दीज टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म हील्स, ये दोनों ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, ये वाली हील्स भी मुझे बहुत अजीब लगती है, जो आगे से पीछे तक बिल्कुल एकदम एकदम बहुत ज़्यादा। इस तरह के शूज़ भी आते हैं एक्चुअली, और स्लिपर्स वगैरह भी, और हील्स मतलब सैंडल्स वगैरह भी आते हैं, और ऐसा लगता है जैसे हम ईंटों पर खड़े हुए हैं। लिटरली ऐसा लगता है जैसे ईंटों के ऊपर खड़े हुए हैं, बहुत वियर्ड लगते हैं। नेक्स्ट जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता स्टाइल, वो है रिब्ड क्लोथिंग, रिब्ड जीन्स या फिर रिब्ड जैकेट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इस तरह का स्टाइल होता है, फटा पुराना सा। ये स्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कभी भी। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत डिटेलिंग होती है वो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, ठीक लगता है, मतलब इतना भी कोई फेवरेट नहीं है वो भी मेरा, बट हाँ उसको मैं पहन लेती हूँ फिर भी। बट ये रिब्ड वाला जो फैशन है ना, ये मैं कभी नहीं पहन पाती हूँ। मैंने कभी नहीं खरीदी ऐसी जीन्स अपने लिए, कुछ नहीं खरीदा इनमें से, और मुझे कभी पसंद भी नहीं आया, मुझे दूसरों पे भी इतना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में यार, आप लोगों ने भी देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे, वो छोटू छोटू से क्यूट से पर्सेस है ना, देखे है ना। मुझे समझ में नहीं आया वो फैशन ही, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लॉजिक क्या है इस छोटे से पर्स को कैरी करने का, इसमें क्या ही आ जाएगा यार, इसको लेके आप कहाँ जाओगे। मतलब इतनी अच्छी रील्स बनाती हैं इतने सारे इन्फ्लुएंसर, इतनी अच्छी रील्स बनाती हैं, इतना अच्छा आउटफिट पहनती हैं, लास्ट में वो छोटू सा पर्स लेके निकल लेती हैं। मुझे नहीं समझ में आया, मेरी अर्णिका लेके उसको घूमेगी तो फिर भी ठीक है, बट मैं तो उसको लेके कभी नहीं घूम सकती, आई एम सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है ना, वो है नेट फैब्रिक, एक आता है सेल्फ टेक्सचर्ड वाला जो नेट फैब्रिक होता है, मैं उसकी ना पिक्चर अटैच कर दूंगी क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं अब मेरे पास। तो इस तरह का जो नेट होता है, सेल्फ टेक्सचर्ड जो होता है, ये वाला नेट फैब्रिक मुझे बहुत अजीब लगता है। मतलब इस फैब्रिक में मैं अपने लिए कुछ भी ड्रेसेस नहीं खरीदती हूँ। एक मैंने ड्रेस एक हॉल वीडियो में आपको मैंने दिखाई थी, और मैंने उसमें भी बताया था, ये चीज़ ही बताई थी मैंने कि ये वाला फैब्रिक मुझे अच्छा नहीं लगता है, एंड ये वाली ड्रेस मुझे इसलिए अच्छी नहीं लग रही है। कितनी भी अच्छी ड्रेस हो, कितने भी अच्छे ब्रांड से क्यों ना हो, बट समहाउ मुझे ये वाला फैब्रिक बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ऐसी साड़ीज़ भी मैंने बहुत लोगों को देखा है पहनते हुए इस फैब्रिक की, साड़ीज़ कुर्ते एंड कुछ, कोई कोई लोग ब्लाउज़ की स्लीव्स में लगवा लेते हैं इसको, एंड कोई कोई लोग ड्रेसेस वगैरह लेते हैं, फ्रॉक स्टाइल ड्रेसेस, मिडी ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेसेस, इस तरह के फैब्रिक में बहुत ही ज़्यादा बचकानी सी लगती हैं यार, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। एंड ऐसा फैब्रिक ना यूज़ होता है कर्टन्स में या फिर टेबल कवर्स पे, अगर आपने देखा हो तो टेबल मैट्स वगैरह जो होती हैं वो इसी फैब्रिक में होती हैं, एंड समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी फैब्रिक में से ये सब ड्रेसेस बनाई हुई हैं, तो इसलिए मुझे वो वाला फैब्रिक थोड़ा सा कम पसंद आता है। नेट फैब्रिक मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन मैं प्लेन नेट में लेती हूँ या तो, या फिर एम्ब्रॉयडरी वाला, या फिर थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हो जिसमें, या फिर कोई वर्क हुआ हुआ हो तो मुझे वो अच्छा लगता है। बट ऐसा सेल्फ टेक्सचर्ड वाला जो नायलॉन नेट जो होता है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट विच आई नेवर लाइक्ड, वो है फेक नेल्स, एक्सटेंशंस जो कराते हैं नेल्स की, नेल आर्ट्स, बहुत सारे स्टोन्स लगवाना और वो फूल पत्तियों की डिज़ाइन, आई नेवर लाइक्ड इट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सोशल मीडिया पे तो आपको भर भर के दिखेंगे इन्फ्लुएंसर्स, इतने बड़े बड़े नेल्स लगा के मेकअप करते हुए, बट ट्रस्ट मी, वो ना वीडियोज़ में ही अच्छे लगते हैं, फ़ोटोज़ में भी अच्छे लगते हैं, या फिर अगर आप एक ब्राइड हैं तो आप अपने स्पेशल ओकेजन के लिए फेक नेल्स वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ में ना अच्छे लगते हैं, एंड वीडियोज़ बनती हैं ब्राइड्स की, फ़ोटोज़ क्लिक होते हैं, तो उसमें वो लुक अच्छा आता है। आप मेहंदी लगी होती है एंड खूब सारी अपनी ज्वेलरी पहनी हुई है, तो उसके साथ वो मर्ज हो जाता है। बट वैसे नॉर्मली डे टू डे लाइफ में अगर आप बात करें तो फेक नेल्स बहुत अजीब दिखते हैं। मैंने सामने से ऐसे देखा है लोगों को लगाते हुए, तो बहुत वियर्ड फेक अलग से दिखते हैं कि कुछ लगाया हुआ है, एंड स्पेशली वो जो नेल आर्ट वाले जो नेल्स होते हैं ना, वो तो बहुत टैकी लगते हैं। एंड ऑल्सो कुछ लोग ना अपने रियल नेल्स को भी इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं एंड उस पर कुछ ना कुछ नेल आर्ट्स वगैरह कर लेते हैं, वो भी बहुत वियर्ड लगते हैं। हाथ ना, मतलब जो आपके हाथों का जो लुक है वो पूरा बर्बाद हो जाता है उससे, तो मुझे तो ये सारी चीज़ें ना बहुत कम पसंद आती है। मुझे एकदम सिंपल लुक अच्छा लगता है अपने नेल्स के साथ। मैं तो हमेशा ये मैनीक्योर करती हूँ, और आज भी मैंने ना अपने नेल्स कट कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते जा रहे थे और इसीलिए मैंने आज थोड़े से अपने नेल्स को कट किया,
थोड़े ज़्यादा ही कट कर दिया एक्चुअली, तो इतनी लेंथ मुझे अच्छी लगती है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी अच्छी लगती है, बट बहुत ज़्यादा लंबे जब नाखून हो जाते हैं ना तो हाथों का लुक थोड़ा सा ख़राब दिखने लगता है, कहीं ना कहीं वो भी फेक ही लगने लगते हैं। तो फेक नेल्स वाला जो लुक है ना वो मुझे पसंद नहीं आता, चाहे वो रियल नेल्स हों चाहे वो फेक नेल्स हों, और खूब सारी नेल आर्ट वगैरह जो होती है वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। और अगर आपको ये लगता है ना कि आपके नेल्स ग्रो नहीं हो पाते हैं, नेल्स की कोई शेप नहीं है और आपको नेल्स एक्सटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बिना आपके हाथ नहीं अच्छे लगेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी अच्छे सैलों में जाकर जेल नेल पेंट्स वगैरह लगवा सकते हैं, नेल एक्सटेंशंस, एक्रिलिक नेल्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। बट थोड़ा सा सटल में रखिए लुक, और थोड़े से शॉर्ट में ही रखिए, लंबे वाले नेल्स मत लगवाइए क्योंकि वो ज़्यादा फेक लगते हैं। बट अगर आप शॉर्ट में रखेंगे एंड यू नो बहुत सटल कलर्स में रखवाएंगे तो वो फेक वाला लुक नहीं देंगे, वो बहुत नेचुरल सा लुक आएगा और ऐसा लगेगा कि आपके रियल नेल्स हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपल रखिए, जैसे आपके नेल्स हैं वैसे रखिए, उनको शॉर्ट एंड क्लीन रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप नेल पेंट्स ही लगाएं, शॉर्ट नेल्स भी अच्छे लगते हैं। कई बार चीज़ें टैकी दिखाने से अच्छा है कि आप उनको सिंपल रखिए, जैसी वो हैं वैसा ही रखने में वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट, मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगते हैं बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला काम अगर किसी में होता है, चाहे वो कितना ही फाइन वर्क हो, कितना ही मतलब कितनी ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी क्यों ना हो, बट मुझे नहीं पसंद आती है बहुत ज़्यादा वर्क किसी भी कपड़े में, सूट में, साड़ी में, यू नो एम्ब्रॉयडरी, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। एंड स्पेशली अगर मैं कुर्तीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे जो वो नेक पे वर्क आता है ना, ऐसे पूरा पैच वर्क मिलता है नेक पे, पूरा भरा हुआ काम, वो वाले कुर्ते मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने कभी अपने लिए नहीं खरीदे, कभी आपने मुझे पहनते हुए भी नहीं देखा होगा ऐसे कुर्ते। एंड साड़ीज़ में भी बहुत जो हैवी हैवी एम्ब्लिश्ड साड़ीज़ होती हैं, एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ीज़ होती हैं, वो भी मुझे नहीं पसंद आती हैं। एम्ब्रॉयडरी में मेरे पास साड़ीज़ हैं, मैं खरीदती हूँ, मुझे अच्छी भी लगती हैं, लेकिन सिर्फ बॉर्डर पे जिसमें एम्ब्रॉयडरी होती है ना, सिर्फ एक हल्का सा बॉर्डर हो एंड दैट्स इट, वो फैला हुआ एम्ब्रॉयडरी अगर होती है तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है मुझे। नेक्स्ट, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड वो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है एंड एक्चुअली बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी मुझे करते रहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, वो है काफ्तान ड्रेसेस, काफ्तान कुर्तीज़, टॉप्स, ड्रेसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती हैं। ऑल्दो मैंने एक अभी हॉल वीडियो किया था, उसमें मैंने काफ्तान कुर्ती इंक्लूड की थी एंड आप लोगों को काफ़ी पसंद आई थी वो, बट पर्सनली इट्स नॉट माई स्टाइल, आई डोंट लाइक इट, तो मैं नहीं लेती हूँ अपने लिए। ये वाली कुर्ती भी ना मैंने बस रखी हुई है, शायद मैं किसी को दे दूँगी, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है काफ्तान ड्रेसेस, काफ्तान कुर्तीज़। आई डोंट नो, ऐसा लगता है कि मैंने यू नो घर के कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि मैं सोने वाले कपड़े पहने हुए हैं, इस टाइप की फीलिंग मुझे उनमें से आती है, और मुझे देखने में भी इतने कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, दूसरे लोग भी जब पहनते हैं ना तो मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आते हैं। सो या, दैट्स माय पर्सनल चॉइस, आई डोंट नो, अगर आपको पसंद है तो आप पहनिए, बट मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है वो है चिपचिपा फेस, वो हर किसी को पसंद नहीं आता यार, समर्स आ गए एंड इतना पसीना आता है फेस पे, कोई भी मेकअप करो कहीं भी जाओ फेस चिपचिपा लगता ही लगता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्किन के अकॉर्डिंगली ना अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा चेंज करें। समर्स में हमारी स्किन काफ़ी ऑयली हो जाती है, काफ़ी स्वेट आता है, समर्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप स्किन ऑयल फ्री, सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस ऑयल फ्री फेस वॉश फ्रॉम मामा अर्थ, मेड विद द गुडनेस ऑफ एप्पल साइडर विनेगर विच रिमूव्स एक्सेसिव ऑयल एंड डर्ट, इट हेल्प्स टू कीप द स्किन क्लीन फ्रॉम इनसाइड नेचुरली, एंड इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है जो स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, ब्लैकहेड्स और एक्ने को कंट्रोल करता है, सो इसको आजकल मैं जरूर यूज करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन काफी साफ सुथरी सी और रिफ्रेश दिखती है एंड फेस भी चिपचिपा नहीं लगता समर्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद मैं यूज करूंगी ये मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, इसमें भी एप्पल साइडर विनेगर है जिससे मेरी स्किन काफी क्लीन, ऑयल फ्री और ग्लोई बनी रहती है, सो मैं इसको दिन में दो बार यूज करती हूँ क्योंकि नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं इसमें, केमिकल फ्री है तो इट्स कम्प्लीटली सेफ, एंड मेकअप से पहले तो मैं इसको जरूर यूज करती हूँ। एंड मामा अर्थ इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, तो आप भी इसको जरूर ट्राई करना समर्स में ऑयल फ्री स्किन के लिए, आप इसको mamaearth.in या फिर मामा अर्थ की ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, एंड फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर लेना, माई कोड इज Aanchal2022। ऑल्सो आप इनको Amazon, Nike, Purple से भी ले सकते हैं, सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। सो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो मुझे ना अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ मेरे ऊपर सूट नहीं करती हैं, इस वजह से मैं उनको नहीं पहनती हूँ, ट्राई नहीं करती हूँ। बाकी आपकी जो मर्ज़ी आप वो पहनी है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बोला है वो
आप भी फॉलो करें, राइट? ओके गाइस, तो ये थे कुछ स्टाइल्स जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको क्या चीज़ें इसमें से पसंद नहीं है या फिर पसंद है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। एंड यस, अगर अच्छी लगी है वीडियो, हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। ऐसी और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको एक थम्स अप देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आईडी है माय ऑलिव ट्रंक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।